और लखनऊ के अपार्टमेंट में अब नो वैक्सीनेशन नो एंट्री का फैसला लिया गया है, लेकिन इस फैसले में कुछ मुश्किलें भी सामने आ रही हैं। लिहाजा लखनऊ के गोमती नगर विस्तार इलाके के लोगों ने जिलाधिकारियों को खत लिखा है। फ्लैट में काम करने वाले लोगों के वैक्सीनेशन के लिए कैंप लगवाने की मांग इसमें की गई है। आसमान को चूमती है गगनचुंबी इमारतें हैं लखनऊ के गोमती नगर विस्तार खंड की, जहां लोग वैक्सीन के लिए एक मुहिम चला रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने लखनऊ में मौत का तांडव मचाया था और जानकारों ने तीसरी लहर का सितंबर और अक्टूबर महीने में आशंका जताई। लिहाजा योगी सरकार तेजी से वैक्सीनेशन का काम कर रही है। गोमती नगर के विस्तार खंड में रहने वाले लोग भी वैक्सीनेशन को लेकर मुहिम चला रहे हैं और सोसाइटी में नो वैक्सीन नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया है, लेकिन उनके सामने कुछ चुनौतियां आ रही हैं, जिसके लिए सोसाइटी के लोगों ने प्रशासन को लेटर लिखा। राजधानी लखनऊ का गोमती नगर विस्तार धीरे धीरे अपार्टमेंट का शहर बनता जा रहा है। सबसे ज्यादा संख्या में इसी इलाके में अपार्टमेंट है और यहाँ के लोग बहुत जागरूक भी हैं। लोगों का ये साफ कहना है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं है तो अब अपार्टमेंट में लोगों की एंट्री नहीं है। खास करके अगर हम लखनऊ की बात करें तो बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन प्रक्रिया लखनऊ और आसपास के इलाके में चल रही है, लेकिन बहुत सारा ऐसा तबका है जो वैक्सीनेट नहीं हो पा रहा है और वो लोगों के घरों में काम कर रहा है। तो ऐसे में जो अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं, उन्होंने ये तय कर लिया है कि अपार्टमेंट के अंदर उन्हीं की एंट्री होगी जो वैक्सीनेशन करा चुके हैं। जो लोग वैक्सीनेशन नहीं करा चुके हैं उनकी एंट्री नहीं होगी। जो हमारे कर्मचारी हैं उनके पास मोबाइल नहीं है या इंटरनेट का मोबाइल नहीं है या उनकी बुकिंग वो नहीं कर पा रहे हैं, टेक्निकली वो साउंड नहीं है, ऐसे में हमारी जो मुहिम है वो सफल नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि हमारी भी मजबूरी है कि हमको कर्मचारी रखना है, उन कर्मचारियों की मजबूरी है कि वो वैक्सीनेशन कैसे कराएं, वो चाहते हैं कराना लेकिन वो करा नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमने जिलाधिकारी से मांग की है कि हर अपार्टमेंट में एक कैंप लगाया जाए जिससे हम उनको वहाँ पर वैक्सीनेशन करा सकें और फिर अपने नियम को कड़ाई से पालन करा सकें कि बगैर वैक्सीनेशन के अपार्टमेंट में एंट्री नहीं होगी। जाहिर है लोग तीसरी लहर को लेकर काफी चिंतित हैं, क्योंकि इस बार कोरोना का आक्रमण मासूम बच्चों पर हो सकता है, लिहाजा बचाव ही कोरोना से लड़ने का सबसे बड़ा उपाय। लखनऊ से निखिल शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन।